अच्छा तो वो तो नवीरा आपको मिल जाएगा सुमेरा से ना, सुमेरा या सर इमरान से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। मैं इनको जरा बता देता हूँ कि जरा लेक्चर अपलोड कर लें। लेट मी जस्ट टॉक टू समबडी इन द ऑफिस। तो आपने बेटा वैसे क्लास अटेंड क्यों नहीं करी थी नवीरा? बेटा एक अदद वाईफाई की डिवाइस भी रखी है बैकअप डिवाइस। ऑल तो 15 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं लेकिन हमें क्या पता है? 1 महीने खुलने के बाद दोबारा बंद हो सकते हैं। तो एक वाईफाई की डिवाइस रख लें ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो आपका इंटरनेट और आपकी जितनी भी लैपटॉप वगैरह है या टैबलेट वगैरह वो सब चार्ज तो हुआ हुआ होगा, तो वो लाइट बंद में भी चलता रहेगा। वैसे अच्छा अब्दुल राफे आपने बताया नहीं ट्रायल बैलेंस से क्या पूछना है बेटे आपने? अच्छा अब्दुल राफे कैन यू हेयर मी? अब्दुल राफे लास्ट लास्ट आपने मिस करी थी क्या? अब्दुल राफे आपने लास्ट लास्ट मिस करी थी क्या? अच्छा तो समझ में नहीं आया आपको? अच्छा ज्वाइन लेट किया था और रीजन बेटा ज्वाइनिंग लेट का? अरे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और एक तो क्या कहते जो मेरी डिवाइस थी ना अमेज़न की उसकी चार्जिंग भी खत्म हो गई थी। अच्छा बेटा रात को चार्ज वार्ज करके रख लिया करो। अच्छा अब जरा बाकी लोग भी मुझे बताइए बेटा कि आप लोगों ने कितना कितना कर लिया है। जरा सब लोग मुझे चैट के ऊपर लिख के मैसेज करें और मुझे बताइए जो होमवर्क मैंने दिया उसमें से कितना कहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। बेटा सब लोगों का मुझे चैट पे जवाब चाहिए क्विकली। जितना भी किया है मुझे बताइए कितना किया है आप लोगों ने क्विकली क्विकली क्विकली। अच्छा बाकी बेटा जल्दी बताइएगा क्विक 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 क्विक। मैं फिर एक एक का नाम लेके पूछूंगा जल्दी बताओ बेटे। अच्छा ईमान वाइवल व्हाई व्हाई डिड यू मिस द लास्ट क्लास? अच्छा अच्छा ठीक है वर्कआउट योर क्लैशेस बेटा जरा मैं एडमिन से बात करके। ओके ओके अच्छा अब एक काम ये करेंगे जो मैं जो हूँ ना जो बच्चे थे जिनका लास्ट क्लास में मिस किया है क्योंकि मेरे पास जो है क्योंकि मैं दोबारा से भी करा देता हूँ लास्ट लास्ट का ठीक है। और बेटा जिन अभी किसी ने भी मैंने देखा है कि जितना भी मैंने बताया था कंप्लीट नहीं हुआ है तो
तो बेटा आप लोग जो जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करें, और जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे बेटा उनको मैं दोबारा करा रहा हूँ। लेकिन बेटा इसको थोड़ा सा सीरियसली चीज़ों को लेना शुरू करें, रात को अपनी डिवाइसेस वगैरह चार्ज करके रखा करें। आपके पास एक ऑल्टरनेटिव वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, वायरलेस कनेक्शन होना चाहिए, जिस तरह जोंग मुझे आपके एरिया में जो भी अच्छा चलता है, जोंग हो गया या जैज हो गया या जो भी है पीटी सेल हो गया, तो उसकी एक वाईफाई डिवाइस भी रख लें। बेटा देखो स्कूल की वैन की फीस भी तो बच रही है ना, 1500 रुपये का वो आएगा मंथली का, तो उसको एक लेके रख लीजिए एज एन ऑल्टरनेटिव कनेक्शन के। अगर आपका मेन कनेक्शन ना चले, लाइट गई हुई हो, तो कम से कम लाइट भी गई हुई होगी ना, तो आपका वाईफाई डिवाइस चल रही होगी, आपकी चीजें चार्ज अप होंगी, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। कम आ रही है या कट रही है अब्दुल राफे? अब्दुल राफे आवाज मेरी कम आ रही है या कट रही है आपके पास? कम आ रही है। अच्छा बाकियों का भी ये मसला है, और लोगों के पास भी आवाज कम आ रही है मेरी या सही आ रही है? जरा दो तीन बच्चे अगर मुझे बता दें तो। बेटे आवाज कम आ रही है या सही आ रही है? सही आ रही है बेटा, दो तीन लोग कह रहे हैं सही आ रही है, तो ये आपकी डिवाइस में मसला है बेटा। तीन लोगों चार लोगों ने जवाब दिए बिल्कुल सही आ रही है, सबका बल्कि सही जवाब आ रहा है, सही आ रही है। तो मैं ट्रायल बैलेंस जो है ना दोबारा से करवा रहा हूँ, और बाकी बेटा जिनका कंप्लीट नहीं है इसको आज कंप्लीट कर लें। तो जिन्होंने का लास्ट क्लास में छूट गया था उनका जरा सुन लें ट्रायल बैलेंस। ओके अच्छा भाई, ये जो बच्चों ने जो लास्ट क्लास मिस करी थी, जिस तरह नवीरा हो गए और अब्दुल राफे हो गए, ठीक है, ईमान हो गए, बेटा आप तीनों अपने जरा माइक खोल लो, अब्दुल राफे, नवीरा और ईमान, ओपन अप योर माइक बेटा। अच्छा ये हमने आपके सामने 2.3 का जो है पूरी एक्सरसाइज अवेलेबल है, ठीक है। अब आपके सामने एक अदद बैंक अकाउंट है, ठीक है बेटा। अब बैंक अकाउंट को आपने पूरे महीने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली ना जुलाई के एंड तक, अब आप मुझे बताइए कि डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल क्या आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल तो नजर ही आ रहा है 15,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल बताइए माइक पे मुझे कितना आ रहा है।
सर 9260 जी सर, यही आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे दोनों साइड्स बराबर करनी है तो मैं जो हैवी वाला टोटल है ना वो इधर लिख दूंगा, टोटल करके। हैवी वाला टोटल 15,000 है, ज्यादा बड़ा जो अमाउंट है। ऑलराइट, तो अब 15,000 डेबिट का तो यही बन रहा था, क्रेडिट का तो नहीं बन रहा था ना, क्रेडिट का तो 9260 बन रहा था। तो अब अगर क्रेडिट साइड भी मुझे 15,000 करनी है तो मुझे क्रेडिट साइड पे मजीद कितनी अमाउंट डालनी चाहिए ये बताइएगा। 5740। बाकी दोनों भी बताएं बेटा, क्या यही आ रहा है आंसर? जी सर। यस सर। ओके, अब ये जो 5740 है ना, ये वाली हरकत हुई है महीने के एंड में, विच इज जुलाई 31, और इसको हम कहते हैं बैलेंस C/D। अब ऊपर लिखा हुआ है मैंने C/D means carry down, ऊपर से नीचे गया मतलब। अच्छा, अब ये carry down balance आया है credit side पर, right? फिर अगली तारीख जुलाई 31 के बाद क्या होती है, जल्दी से बताइएगा। August 1st। अब हम opposite side पे आ जाएंगे, balance CD है credit side पे, तो opposite side हो गई उसकी debit side। तो डेबिट साइड पे आके हमने लिखा August 1st, और यहां हम लिखेंगे बैलेंस B/D, ऊपर लिखा हुआ है मतलब। B/D का मतलब है ब्रॉड डाउन, और ये अमाउंट लिख देंगे हम 5740। ये जो हमने प्रोसेस किया है इसको कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द लेजर्स या बैलेंसिंग ऑफ द टी अकाउंट। अब इस ये बैंक अकाउंट हो गया, अब कैपिटल अकाउंट देखिए। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कितना टोटल बनता है, माइक पे बताएं बेटा। 15,000। और डेबिट साइड पे कितना है? जीरो। तो हैवी टोटल कितना हुआ जा रहा है, हैवी अमाउंट कितना हुआ, ज्यादा बड़ा अमाउंट कौन सा है? 15,000, राइट? 15,000। एग्जैक्टली, तो हैवी टोटल दोनों तरफ लिख दिया। अब दोनों साइड्स बराबर करने के लिए मुझे डेबिट साइड पर पूरा कंप्लीट 15,000 लिखना है, जो कि महीने की आखिरी तारीख को लिखूंगा, और इसको मैं बोलूंगा बैलेंस C/D। अब अगले महीने की पहली तारीख हो जाएगी August 1, और साइड चेंज हो जाएगी, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और आ गया 15,000। अच्छा, नोट कीजिएगा कि टोटल एक लाइन में होने चाहिए, ऐसा नहीं किया कि इसका टोटल मैंने यहां लिख दिया, जगह छुट्टी है तो छुटे, ऐसा नहीं करना, टोटल दोनों के एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाइज। अच्छा, इसी तरह अब देखो ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर के अंदर आपका जो हैवी अमाउंट है वो है 1200, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 1200 है, क्रेडिट साइड का टोटल 150 है, तो हैवी टोटल 1200 है, वो दोनों साइड पर आ गया, डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड पर आएगा 1050 का, वो कैरी डाउन हो गया और ब्रॉड डाउन अगली तारीख को ऑपोजिट साइड पर आ गया। मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल था 2050 और क्रेडिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं है, राइट? तो हैवी टोटल जाहिर है 2050 है, तो वो दोनों साइड पर आ गया। साइड्स को बैलेंस करने के लिए पूरा कंप्लीट अमाउंट आपको क्रेडिट साइड पे चाहिए, वो CD हो गया, और अगले महीने की पहली तारीख को ऑपोजिट साइड पे BD हो गया। ट्रीज लिमिटेड ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है, 1400 टोटल दोनों साइड पर है, तो ना CD आएगा ना BD आएगा। वैन को देखते हैं, वैन में डेबिट साइड पे 6010 है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो हैवी टोटल 6010 है, ये दोनों साइड पे आ गया, इक्वल करने के लिए 6010 क्रेडिट साइड पे चाहिए, वो बैलेंस कैरी डाउन हो गया और डेबिट साइड पे ही आ गया 6010। डी ट्वेगन सन्स खुद ब खुद बैलेंस हो रहा है, 150 का टोटल ऑन बोथ साइड्स, कैश का डेबिट पे 150 था, क्रेडिट पे 0 था, तो CD हमने कर दिया 150 क्रेडिट साइड पे और BD आ गया 150 डेबिट साइड पे।
बेटा जरा यहाँ तक मुझे माइक पे बताइएगा, तीनों बच्चे समझ में आ गया सीडी बीडी कैसे निकालना है? जी सर। यस सर। जी सर। ऑल राइट जी, अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। इस एक्सरसाइज में ओनर का नाम था एफ मरे, ट्रायल बैलेंस लिखा एज एट, आखिरी दिन को बनता ही पूरा ट्रायल बैलेंस, सही है? तो आखिरी तारीख क्या थी? जुलाई 31, 2017। इसके अंदर दो कॉलम बनाते हैं एक्सट्रीम राइट पे, एक होता है डेबिट कॉलम डीआर, एक होता है क्रेडिट कॉलम सीआर। अब जितने भी अकाउंट के बीडी बैलेंसेस हैं, बीडी बैलेंसेस, वो आपने सारे यहां छाप देने हैं। तो पहला अकाउंट था बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का बीडी किस साइड पर है? डेबिट साइड पे, 5740। सो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड पर आ गया 5740, डेबिट कॉलम में लिखा है, देखो मैंने इधर 5740, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बीडी क्रेडिट साइड पे है 15,000 कैपिटल अकाउंट का, तो यहां पर मैंने कैपिटल का नाम लिखा, क्रेडिट कॉलम में लिख लिया 15,000, ये आ गया 15,000। अगला अकाउंट कौन सा था? ऑफिस फर्नीचर, इसका बीडी डेबिट साइड पे है 1,050, तो देखो ऑफिस फर्नीचर लिख के डेबिट कॉलम में 1,050 लिख दिया। अगला अकाउंट है मशीनरी, डेबिट है 2050 और ट्रीज लिमिटेड का कोई बैलेंस नहीं है, सो मशीनरी का डेबिट कर दिया 2050 डेबिट साइड पे और ट्रीज लिमिटेड को गायब कर दिया क्योंकि ट्रीज लिमिटेड का कोई बैलेंस नहीं आया। इसी तरह वैन का डेबिट बैलेंस है 6,010 और कैश का डेबिट बैलेंस है 150, डी ट्विग एंड सन्स का कोई बैलेंस नहीं है, तो वैन का डेबिट बैलेंस 6,010 लिखा, कैश का डेबिट बैलेंस 150 लिखा, तो ये हमारा कैश का सॉरी डेबिट बैलेंस 150 लिखा। अब ये ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अब जब हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे तो सेम टोटल आएगा जो कि आ रहा है 15,000, ये टोटल सेम होना चाहिए और नीचे डबल लाइन लगानी है। जब भी आप डबल लाइन लगाओगे ना ऊपर टी अकाउंट्स में भी और ट्रायल बैलेंस में भी, इसका मतलब है यहाँ एंड हो गया महीना, क्लोजिंग हो गई यहाँ पे। जी बेटा जरा तीनों माइक पे बताइएगा, समझ आया? आ गया सर। यस सर। एक और जी सर। ऑल राइट, अब ये जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लो और ये 2.3 ना अभी आपने खुद अपने हाथ से करना है और उसके बाद मैंने आपको पूरे होमवर्क भेजा हुआ है, 6.4 तक की सारी एक्सरसाइजेस के टी अकाउंट भी बनाने हैं और उसके ट्रायल बैलेंस भी बनाने हैं, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 5, 4, 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। 5 जी सर, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर इक्वल अगर अमाउंट नहीं हो तो इश्यू होता है? जी अगर इक्वल अमाउंट नहीं है तो गलती करी है। देखो हर डेबिट की हमने क्रेडिट एंट्री पास करी है तो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस होना लाजमी है, अगर बैलेंस नहीं हो रहा मतलब गलती करी है आपने कोई ना कोई। ओके सर। स्क्रीनशॉट ले। 5, 4, 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। 5, 4, 3, 2, 1 स्क्रीनशॉट। ये लिखा हुआ भी है बेटा मैंने नीचे, ट्रायल बैलेंस मस्ट ऑलवेज बैलेंस, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 अच्छा तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? ऊपर लिखी हुई है ब्लैक कलर के मार्कर से, इट इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, एक लिस्ट है जिसपे आपने सारे बैलेंसेस दिखाने हैं। ओके तो बेटा आप शुरू हो जाइए बाकी तमाम एक्सरसाइजेस के साथ। ऑलराइट सर, एक चीज पूछनी थी। जी बोले बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था ब्रॉड डाउन का मतलब जो डेबिट है वो हमारा बढ़ गया? नहीं, ब्रॉड डाउन का मतलब है इंग्लिश के अंदर ऊपर से नीचे लेकर आए, ब्रॉड डाउन ऊपर से नीचे लाए, कैरी डाउन यहां से नीचे लेकर गए। अब ये बैलेंसेस शो क्या करते हैं ये बाद में बताऊंगा,
पहले करना सीखो इसको, ठीक है? ठीक है। तो बेटा आई एम स्टिल हियर विद यू ऑन द माइक, कोई मसला हो तो पूछिए।
बेटा जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है अगर कोई इशू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बेटा वही जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने होमवर्क दिया था ना कि 6.4 तक की सारी एक्सरसाइजेस के बैलेंस ऑफ करके टी अकाउंट्स बना के बैलेंस ऑफ करके ट्रायल बैलेंस बनाना है, वो कितना कर लिया आपने? अरीबा अरीबा कितना कर लिया आपने बेटा उसमें से?
बेटा इवन जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना वो भी इसको बड़ा सीरियसली लें, क्योंकि स्पीड बढ़ानी है बेटा, स्पीड इतनी परफेक्ट करनी है कि आपको कभी भी पेपर में इसमें टाइम ना लगे, ना डबल एंट्री सोचने में, ना डबल एंट्री लिखने में टी अकाउंट में, क्योंकि पेपर में ऑफकोर्स इतने बेसिक टी अकाउंट तो नहीं आएंगे, लेकिन इसका एडवांस वर्जन आएगा, लेकिन वो कभी भी नहीं होगा जब तक कि आपकी ये बेसिक्स अच्छी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी भी होगी ना तब भी स्ट्रगल करोगे ए लेवल्स में, तो परफेक्शन अचीव करनी है, ये मकसद है हमारा। अब नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह मैं फाइनल अकाउंट शुरू कर दूंगा। सर जी बेटा, सर कंफ्यूजन हो रही है कि क्या कहते हैं वो जो आप कि डेबिट में कौन सी वैल्यू आएगी और क्रेडिट में क्या 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 कंफ्यूजन हो रही है। ये जो ब्रॉड डाउन है और क्रेडिट डाउन है ना, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि डेबिट में कौन सी वैल्यू आएगी और क्रेडिट में कौन सी आएगी। अच्छा एक सेकंड, जो क्रेडिट पे सीडी बनेगा वही अमाउंट डेबिट मतलब ऑपोजिट साइड पे आएगी। मैं दोबारा स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ, ये आपके सामने अकाउंट्स हैं, मुझे बताओ फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट है, अब जो अमाउंट सीडी में लिखा है वही अमाउंट बीडी में लिखना है। ये सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी अमाउंट सीडी होगी कौन सी बीडी होगी। बेटे अभी तो बताया जो डिफरेंस होता है दोनों साइडों का, फॉर एग्जाम्पल बैंक की डेबिट साइड 15,000 बन रही थी, बैंक की क्रेडिट साइड 9,260 बन रही थी, हैवी टोटल दोनों तरफ लिख दिया तो क्रेडिट साइड पर शॉर्टेज नजर आ रहा है, कितने से शॉर्टेज नजर आ रहा है वो कैलकुलेट कर लिया, 15,000 माइनस 9,260 जी सर सही है जी, समझ आ गया है, दोबारा बताऊं एक मिनट, ये 15,000 माइनस 9,260 बना, 15,000 जो हैवी टोटल था उसमें से जो शॉर्टेज वाली साइड है वो माइनस कर दी, डिफरेंस निकाल लिया हमने दोनों साइडों का कितना है, मतलब एक तरीके से जिस साइड पे बैलेंस होगा वो क्या कहते हैं जो हैवी अमाउंट होगी जो साइड पे बैलेंस होगा वो सीडी हो जाएगी एक तरीके की। क्या क्या दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। जिस साइड पे बैलेंस होगा हैवी अमाउंट का, हैवी अमाउंट से कम होगी तो वो सीडी कहलाने शुरू हो जाएगी, क्रेडिट डाउन हो जाएगा वो। Heavy amount तो debit side पे है 15,000, उस side पे थोड़ी CD है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो heavy amount से जो less होगी मतलब जैसे 15,000 कम होगी वो shortage वाली side, ये shortage वाली side CD है, ये बोलो ठीक है, shortage वाली side CD है और फिर opposite side उसकी BD बनेगी और जो CD वाली amount होगी वही BD वाली amount बन रही है, देख लो ठीक है। थैंक यू सर, यू आर वेलकम बेटा। स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट देखो सारे, आप ले लिए है ना स्क्रीनशॉट, वो सामने रख के काम करो 2.3 का, पहले 2.3 खुद करना अपने हाथ से फिर 2.4 पे आना। और बेटा डबल एंट्री सब लोग स्ट्रॉन्ग कर लें, जैसे ही स्कूल खुलेंगे ना मैं पहला टेस्ट अभी से बता रहा हूँ ओरल टेस्ट लूंगा डबल एंट्रीज का और उसके ऊपर मार्क्स दूंगा, क्योंकि अगर आपकी डबल एंट्री की ये परफॉर्मेंस नहीं है ना कि आप सुनते ही फौरन जवाब दे सको तो आप ए लेवल में स्ट्रगल करने वाले हो बहुत बुरी तरीके से। इसका बहुत आसान तरीका है, दिन में वो जो मैंने 17 एंट्री शुरू में लिखवाई थी जो मेरे नोट्स की मैंने आपको स्क्रीनशॉट आपने जो लिए होंगे उसमें 17 एंट्रीज थी, वो 17 एंट्रीज दिन में जो है ना कोई 10-15-20 दफा रिवाइज करो, एक दफा रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट या 2 मिनट लगेंगे, उसको दिन में 15-20 दफा देखो, यानी कि 20 मिनट कम से कम आधा घंटा डबल एंट्रीज को दो, गो थ्रू करो, ट्रांजैक्शन पढ़ो और नीचे आंसर पे हाथ रख लो, जैसी ट्रांजैक्शन खत्म हो जवाब निकलना चाहिए, ये आप 3-4-5-6 दिन करते रहो, ओरली लिखना कहीं नहीं है, आपकी डबल एंट्रीज परफेक्ट हो जाएंगी।
क्योंकि बेटा अगर डबल एंट्रीज परफेक्ट नहीं हुई आगे जाके बहुत मसला होने वाले, मैं बता दूं अभी से। और डबल एंट्रीज परफेक्ट हो गई तो इंशाल्लाह जिंदगी आसान होनी शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है हरीम, इसको बेटा मैंने ग्रुप पे भेजा था, 6.4 तक करना है बेटा, सबके टी अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस 6.4 तक बेटा। होमवर्क का लिंक मैंने दोबारा सेंड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे।
ठीक है बेटा, आप लोग जा सकते हैं, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।